हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपके अपने ही चैनल ज्ञान गुंजन में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप झारखंड से हैं और झारखंड में स्कॉलरशिप का फॉर्म भरना चाह रहे हैं या भर दिए हैं, तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाला है। इस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा। तो फ्रेंड्स, आपको ये पता चल जाएगा कि स्कॉलरशिप भरने से पहले कुछ अगर आप वो गलती करते हैं तो आपका स्कॉलरशिप नहीं आ सकता है। जी हाँ फ्रेंड्स, यानी कि फ्रेंड्स फॉर्म भरने से पहले कुछ इसका क्राइटेरिया है, आपको उस क्राइटेरिया को किसी भी हर हाल में कंप्लीट करना होगा, तभी आपका स्कॉलरशिप आएगा, नहीं तो फ्रेंड्स आपका स्कॉलरशिप नहीं आएगा। इसी चीज़ के बारे में हम इस वीडियो में डिटेल से बात करने वाले हैं। अगर आप ये सब डिटेल में जानना चाह रहे हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और फ्रेंड्स, अगर आप अपने चैनल पर न्यू आ रहे होंगे तो वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उसे दबाकर अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पास में बेल आइकन मिलेगा, उसे भी प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ, अभी आप देख सकते हैं हम अभी अपना गूगल के क्रोम ब्राउजर ओपन कर लिए हैं। सिंपली आपको गूगल के सर्च बार में टाइप कर लेना है ई कल्याण। तो जैसे ही आप ई कल्याण टाइप कीजिएगा तो आप लोगों के सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा। यहाँ आप देख सकते हैं ecalyan.ccg.gov.in, आपको इसी वाले लिंक पे क्लिक करना होगा। तो जैसे ही आप इस वाले लिंक पे क्लिक कीजिएगा तो जो ई कल्याण का ऑफिशियल पोर्टल है वो आप लोग के सामने शो होगा। कुछ इसका इंटरफेस इस टाइप से आपको देखने के लिए मिलेगा। यहाँ देखिए, होम का ऑप्शन दिया गया है, कॉलेज एंड स्टूडेंट एलिजिबल का ऑप्शन दिया गया है, यहाँ एडवर्टाइजमेंट का ऑप्शन दिया गया है, उसी तरह से सारा डिटेल आपको यहाँ दिया गया है। तो फ्रेंड्स, जो इसका कुछ ज़रूरी बातें हैं वो आपको हम बता देते हैं। जैसे ही आप स्क्रॉल करके नीचे जाइएगा तो यहाँ आप देख सकते हैं, इसमें जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ देखिए, अपलोड ऑनलाइन इशू सर्टिफिकेट लाइक कास्ट रेसिडेंशियल एंड इनकम इनटू आवर ई कल्याण पोर्टल। तो फ्रेंड्स, इसके बारे में आपको हम बता दें कि अगर आप झारखंड में स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको किसी भी हर हाल में जो झारखंड का कास्ट सर्टिफिकेट होता है, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट होता है और इनकम सर्टिफिकेट होता है, वो आपको ऑनलाइन बना हुआ ही अपलोड करना होगा। अगर फ्रेंड्स आपके पास कास्ट रेसिडेंशियल और इनकम सर्टिफिकेट ऑनलाइन नहीं होगा, अगर आप इसके लिए अप्लाई भी कर दीजिएगा स्कॉलरशिप के लिए, तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। और फ्रेंड्स देखिए, साथ ही साथ यहाँ देख सकते हैं, द वैलिड ऑफ इनकम सर्टिफिकेट शुड बी फ्रॉम 1 अप्रैल 2020, यानी कि फ्रेंड्स जो आपका इनकम सर्टिफिकेट होगा उसका जो वैलिड डेट होगा, मतलब इशू डेट 1 अप्रैल 2020 के अगर पहले के होगा तो आपका वैलिड नहीं होगा। अगर फ्रेंड्स आपका जो इनकम सर्टिफिकेट है उसका इशू डेट 31 मार्च 2020 है, तो यहाँ पे आपका वो इनकम सर्टिफिकेट रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और फ्रेंड्स, ये तो हुआ पहला एलिजिबिलिटी के बाद। और फ्रेंड्स, दूसरा एलिजिबिलिटी यहाँ देख सकते हैं, स्टूडेंट, देखिए यहाँ फ्रेंड्स, स्टूडेंट आर एडवाइजिंग द गिविंग द आधार लिंकिंग बैंक अकाउंट नंबर, यानी कि फ्रेंड्स इसका मतलब हुआ कि अगर आप ई कल्याण पोर्टल में स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको किसी भी हर हाल में आपको वही बैंक अकाउंट का पासबुक अपलोड करना होगा जो आपका बैंक अकाउंट आधार कार्ड से लिंक होगा। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आपका बैंक अकाउंट आधार कार्ड से लिंक नहीं है तो भी आपका स्कॉलरशिप नहीं आएगा। ये दो गो चीज़ इसमें मस्ट था। अगर आप ये दो गो चीज़ को कम्प्लीटली सीरियस से अपलोड कीजिएगा तो आपका स्कॉलरशिप 100% आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसी चीज़ के बारे में आपको इस वीडियो में जानकारी देने वाला था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। और फ्रेंड्स, अगर आप देखना चाह रहे हैं कि जो आपका आधार कार्ड से किस बैंक अकाउंट लिंक है या नहीं है, तो उसके लिए देखिए फ्रेंड्स, यहाँ क्लिक हियर के ऑप्शन पे आपको सिंपली क्लिक करना होगा। तो जैसे ही आप क्लिक हियर वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा तो ऐसा इंटरफेस आप लोगों के सामने आ जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं, आपको सिंपली इसमें स्क्रॉल करके नीचे चले जाना होगा और आप यहाँ देख सकते हैं, सिंपली आपको यहाँ पे आपको अपना आधार कार्ड नंबर या जो वर्चुअल आईडी नंबर होता है यहाँ से क्लिक करके वो फिल कर देना होगा, और जो कैप्चा नज़र आ रहा है उसको यहाँ पे क्लिक करके इसमें फिल करके और आपको सेंड ओटीपी पर क्लिक करना होगा। तो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी को आप यहाँ फिल कर दीजिएगा। तो उसके बाद यहाँ आपका सारा डिटेल्स शो हो जाए कि आपका किस बैंक अकाउंट से आपका आधार कार्ड लिंक। तो फ्रेंड्स, इसी जरिए आप जाँच कर सकते हैं कि जो आपका आधार कार्ड है वो किस बैंक अकाउंट से आपका लिंक है। तो फ्रेंड्स, इसी छोटा सा जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और फ्रेंड्स अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर कीजिएगा ताकि उन्हें भी इस चीज़ का लाभ मिल सके। और अगर आपको ई कल्याण से जुड़ी हुई और किसी भी तरह का जानकारी लेना होगा तो इसी वीडियो पर कमेंट कीजिएगा, अगला वीडियो हम उसी टॉपिक पर बना देंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हैव ए नाइस डे। आपका दिन शुभ हो।